So, socha, इस वीडियो के थ्रू तो क्या उसके सॉल्यूशंस है और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं है so उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे एंड जो मिस्टेक्स हुए हैं कौन से कौन से पॉइंट में मिस्टेक्स हुए हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं सो क्लियरली डिस्कस करेंगे सो so, आप लोग को क्या करना है हर बार के तो तरह वीडियो में तक बदलना है सोच ली वीडियो को स्टार्ट करते सो so, कॉन्केशन के जब अप्लाई छोड़े गए थे सो so, उस अप्लाई के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो पहले ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं, और उस अप्लाई के समय बहुत सारे मिस्टेक्स किए गए हैं, और ऑलरेडी जो सिस्टम थे यूनिवर्सिटी के उस सिस्टम्स के थ्रू भी बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने कॉलेज अपने कॉलेज के नाम चॉइस किए थे उसमें और किसी कॉलेज के नाम आ गए प्रिंट आउट के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेज खुद से भी गलती किए थे कॉलेज के नाम चॉइस में गलती हो गई थी किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर में किसी का रोल नंबर दिए थे उसके बाद प्रिंट आउट में रोल नंबर कंप्लीट नहीं आए थे किसी का पेमेंट में इश्यूज हुए ऐसे बहुत सारे पॉइंट में इश्यूज हुए सो अब सोल्यूशन की जो बात करते हैं सो एडिट ऑप्शन जो है एडिट ऑप्शन तो यूनिवर्सिटी ने दिया नहीं सो अगर एडिट ऑप्शन नहीं है मॉडिफिकेशन ऑप्शन नहीं है तो आप जाके उसको ठीक भी नहीं कर सकते हो और अगर यूनिवर्सिटी कुछ अपडेट्स देते हैं और अपडेट्स दे अगर मोडिफिकेशन के फिर से नोटिस देते हैं और लिंक को ऑन करते हैं देन आप जाके उसमें मॉडिफाई कर पाओगे और जब तक मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है तब तक आप लोग क्या करोगे सो यूनिवर्सिटी के हमारे आसाम यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन सेल है उस सेल में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कांटेक्ट करके आपको जो कंट्रोल सेल होते हैं एग्जामिनेशन के कांटेक्ट uh, करके आपका जो प्रॉब्लम्स हुआ है उसको आपको यहाँ पे स्टेट करना होगा उसके बाद वहां से अगर कुछ सोल्यूशन निकालते हैं वो लोग करके दे देंगे और जो आप लोगों ने अप्लाई किया उसमें कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं क्योंकि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए एप्लीकेशन था ठीक है क्योंकि इस अप्लाई के पीछे का जो एक्चुअल मोटिव है ये है फीस कलेक्शन को लेके क्योंकि कॉन्वकेशन के फीस पेमेंट आपको करने पड़ते हैं और वैसे भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए आपको फीस पेमेंट करने पड़ती है सो so, आपका फीस अगर क्लियर हो चुका है सो so प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज ऑलरेडी आपके कंप्लीट डिटेल्स है आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो कहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया कंप्लीट डिटेल्स उनके पास है सो so, जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू होंगे ऑलरेडी ओरिजिनल सर्टिफिकेट बन भी चुकी है तो जब इशू होंगे तब तो उसमें आपके ओरिजिनल जो भी डाटा से वो डाटा से लिखे जाएंगे सो so, फॉर्म में अगर कुछ गलती हुई है क्योंकि सिस्टम के वजह से भी कुछ गलती हुई है फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ठीक करना ये मिस्टेक हो चुकी है सो आप जो कंट्रोलर सारे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी में जाके आप ऑफिशियली लेके उस ले जाना सो वो उसको ठीक करके दे देंगे क्योंकि ऑनलाइन तो कोई एडिट ऑप्शन दिया नहीं और अगर एडिट ऑप्शन इन फ्यूचर देते कोई नोटिस आती है देन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा तब वहां पे जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो सो so, अभी तक यही सोल्यूशन है आपके पास ऑफलाइन ही जाके आपको यह ठीक करना पड़ेगा और कुछ अपडेट्स आने से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड अपने फ्रेंड्स में वीडियो को आप शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक की है एंड पेमेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं सो जिन्होंने पेमेंट्स की है अगर आपके अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं so, सो आप ट्वेंटी से फोर्टी आवर्स तक आप वेट कर सकते हो क्योंकि जब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं आशम यूनिवर्सिटी तो अप्रूव होने में थोड़ा समय लगते हैं एंड रूपे कार्ड्स इसलिए आशाम यूनिवर्सिटी ने नोटिस में कहा है डेली रुपए कार्ड आप यूज करके पेमेंट करिए सो so, फास्टली वो पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं सो so, कुछ ही उनके टेक्निकल इश्यूज होंगे सो so, अगर आपने यूपीआई यूज किया हुआ है सो so, आपके पेमेंट एक्सेप्ट में थोड़ा लेट हो सकते हैं बट अप्रूव हो जाएंगे अगर अप्रूव नहीं होंगे देन आपको रिफंड मिल जाएंगे सो so, ऐसे आप डिस्क्रिप्शन मेरे साथ बने रहे चैनल के साथ जुड़े रहे सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी